तो शराब घोटाले को लेकर सदन में काफी गहमा गहमी देखने को मिली। विपक्ष ने सरकार को चौतरफा घेरने की कोशिश की। नेता प्रतिपक्ष हुड्डा ने मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है, तो वहीं इनेलो विधायक अभय चौटाला ने भी प्रदेश सरकार पर जमकर प्रहार किया है। मतलब नीरज शर्मा की और उसमें तो ये जो जवाब आए जिस प्रकार से बातें हुई, ये तो सिद्ध हो गया कि बड़ा भारी घोटाला हुआ है और उसकी पूरी रिपोर्ट नहीं दी गई। तो इसका एक ही है कि भाई ये जो है ना, एक कमेटी के ऊपर कमेटी, कमेटी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन, इसकी जो है जांच सीबीआई को देनी चाहिए और हाईकोर्ट की जज के सुपरविजन में देनी चाहिए ताकि सही बता सके। ये इसमें कोई दो राय नहीं है, बड़ा भारी घोटाला था। देखो बात तो ये है कि अखबार में ये कह चुका है, बयान आ चुका है इसका कि कोई शराब का घोटाला प्रदेश में हुआ ही नहीं। फिर इस प्रदेश में शराब घोटाले के ऊपर आपने मेरी कॉलिंग जो है वो मंजूरी क्यों करी? नहीं, अगर मंजूरी की बात मान रहा, आप कहते हैं कि मंजूरी नहीं की, आप मनुष्य की बात पे मान रहा है। उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है कि मनुष्य, तो मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ कि इस प्रदेश के अंदर जितने डिपार्टमेंट इसके पास है, मैं नहीं कह चुका, ये गौतम दादा भी कह चुका है।